अब कुछ दिन पहले Realme ने भारत में लॉन्च कर दिया था U सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन जो है Realme U1 और ये फोन आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा Amazon पे। पर रुकिए, क्या आप इस फोन को खरीदने के लिए उत्सुक हो? क्योंकि 11 दिसंबर को भारत में लॉन्च करने वाला है Asus ZenFone Max Pro M1 का सक्सेसर ZenFone Max Pro M2, वो भी लगभग करीब करीब Realme U1 के प्राइस के साथ ही होगा। तो आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, Realme U1 या Asus ZenFone Max Pro M2? क्या दुविधा है आपके मन में? तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं Realme U1 के साथ Asus ZenFone Max Pro M2 का स्पेक्स का कंपैरिजन करूंगा, साथ में कौन सा अच्छा है वो भी बताऊंगा, और आपको कौन सा फोन लेना चाहिए ये भी अनबायस्ड होके बताऊंगा। अनबायस्ड होके देखते रहिए वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलून करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। Realme अच्छा है, Realme अच्छा है कम प्राइस के लिए, Realme अच्छा है भाई अच्छा स्पेसिफिकेशंस देने के लिए, पर व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा नहीं लगता है Realme का जो बिल्ड क्वालिटी होता है वो। अब पूछोगे क्यों, वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, Realme जो U1 है इसका प्राइस 4GB और 64GB, इसका प्राइस है 14,499 रुपीज, यानी लगभग 15K के अंदर। अब 3GB 32GB वाला जो वेरिएंट है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, आप Realme U1 को अगर लेना ही चाहते हो तो 3GB वाला लीजिए, पर 4GB जो वेरिएंट है उसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, आप भी ये मानते हो। अब इसी प्राइस रेंज में आ रहा है Asus ZenFone Max Pro M1 का ट्रू सक्सेसर Max Pro M2। खैर, ये तो देखा जाएगा After the launch, मैं इसको खरीदूंगा, unbiased review दूंगा, पर अभी के लिए जो specs sheet है, चलिए पहले देख लेते हैं दोनों फोन का डिस्प्ले। Realme U1 में आपको मिलता है 6.3 inches का full HD plus full view डिस्प्ले, आपको इसमें 19:5:9 aspect ratio वाला डिस्प्ले मिलेगा, आपको ऊपर में एक वाटर ड्रॉप नॉच भी मिलेगा, पर ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है, यह दिक्कत है। अब ZenFone Max Pro M2, इसमें आपको 6 इंचेस का फुल एचडी प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, आपको इसमें 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलेगा, साथ में छोटा सा एक नॉच मिलेगा प्यारा सा। अब इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन में मिलेगा। अब आपके ऊपर है, आप कौन से फोन को लेना चाहते हो, डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है ये वाला या नहीं है वो वाला, कमेंट्स आपका, उत्तर मेरा। अब डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी, देखिए Realme, आप भी ये मेरे साथ सहमत हो गए, Realme का हर एक फोन Xiaomi की तरह ही है, चाहे वो Redmi Note 5 Pro हो, Redmi Note 6 Pro हो, Redmi Note 5 हो या वगैरह वगैरह, हर एक फोन का जो डिजाइन होता है वो सेम होता है, और इस बार Realme U1 में भी आपको सेम डिजाइन मिलता है लगभग Realme 2 Pro के तरह ही। इतना जल्दी क्यों है भाई Realme, अगर लॉन्च करना ही है अच्छा कुछ लॉन्च करो, अच्छा इन्वेस्ट करो, आपसे जो इंजीनियर्स हैं उसको बोलो ना अच्छा डिजाइन करने के लिए। हाँ, आप तो कहते हो आप यूथ्स के लिए हो, अब यूथ्स तो ओल्ड डिजाइन पसंद नहीं करेगा। अब इन्हीं दो फोन में अगर आप देखोगे तो इस बार ZenFone Max Pro M1 से काफी अलग है ZenFone Max Pro M2। अब Realme U1 में आपको पीछे में वही पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा, कुछ ग्लास का फील तो आपको देगा देखने में। अब मेरे चैनल पर आपको Realme 2 Pro, Realme 2, Realme C1 हर एक का वीडियोस देखने को मिलेगा, और आप देखोगे हर एक फोन में एक ही प्रॉब्लम है, वो है इसके बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड। बहुत जब स्क्रैचेस आता है, स्मार्जेस आता है, साथ में पूरा ही प्लास्टिक होता है, अगर गिरता है तो गिरने दो साहब, क्योंकि गिरने से ये खराब या टूट जाएगा साहब। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगता है हर एक फोन का, बहुत ही चिप लगता है Realme का। ZenFone Max Pro M2 में आपको इस बार ग्लास बॉडी डिजाइन मिलेगा, ग्लास फील आपको एहसास देगा,
साथ में यहाँ पे आपको बढ़िया डिजाइन मिलेगा। ZenFone Max Pro M1 से अलग है Max Pro M2 का डिजाइन। दो कैमरास मिलता है आपको, एक एलईडी फ्लैश लाइट मिलता है, Asus का लोगो मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, साथ में बहुत ही ग्लॉसी डिजाइन मिलेगा और आपको पीछे में भी एक ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये था इन दोनों फोन का डिजाइन। तो आप क्या कहते हो, कौन सा फोन आपको अच्छा लग रहा है, Realme U1 का डिजाइन या Max Pro M2 का? अब दोनों का रैम रोम मैं यहां पे 4GB वाला का ही बात करूंगा। दोनों फोन का जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है प्राइस लगभग सेम होगा। तो यहां पे रैम कुछ खास नहीं, 4GB 64GB दोनों का ही। अब यहां पे दोनों ही फोन में आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट अलग से मिल जाएगा। दोनों ही फोन में डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। आपको दोनों ही फोन में बहुत अच्छे तरीके से कॉल क्वालिटी मिल जाएगा, पर इस बार आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा Asus ZenFone Max Pro M2 में। चलिए अब यहां पे मैं बात करूंगा प्रोसेसर का, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो बात होता है वो है प्रोसेसर। धड़कन हार्ट होता है भाई, प्रोसेसर धड़कन धड़कन। तो Max Pro M2 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 660 जो ऑक्टा कोर बेस्ड प्रोसेसर है, 2.2 GHz में चलता है, साथ में Adreno 512 का GPU भी मिलेगा। तो गेमिंग तो काफी बढ़िया होगा इसमें, और इसमें रेंडरिंग अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो भी आपको बढ़िया लगेगा इसमें, और यहां पे ग्राफिक्स भी आपको अच्छा मिलेगा। तो प्रोसेसर से कोई शिकायत नहीं है। अब Realme U1 में आपको मिलेगा Helio P70 प्रोसेसर जो ऑक्टा कोर बेस्ड है, 2.1 GHz पर चलता है और 12 नैनोमीटर फिनपेट टेक्नोलॉजी में है। और यही कहूंगा Helio P70 और Qualcomm Snapdragon 660 दोनों का परफॉर्मेंस में आपको उतना ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। तो अब मैं यहां पे बात करूंगा कैमरास की। आपको Realme U1 में 13 मेगापिक्सल का पीछे मेन कैमरा मिलेगा, साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। यहां पे Asus आगे है क्योंकि ZenFone Max Pro M2 में आपको पीछे में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा एक 1.8 अपर्चर के साथ, और दूसरा जो कैमरा है जो है 5 मेगापिक्सल का जो है F2.2 अपर्चर के साथ। तो मैं क्या बोलूं, आप भी समझ रहे हो अपर्चर बहुत ही अच्छा है M2 का, तो लो लाइट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो सेकेंडरी कैमरा है वो भी 5 मेगापिक्सल का, तो 2 मेगापिक्सल अच्छा है या 5 मेगापिक्सल? तो मेरे हिसाब से आप जानते हो Realme का हर एक फोन में आर्टिफिशियल लगता है एजेस को, क्योंकि वो अच्छे तरीके से भाई बोके मोड को अच्छे तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। अगर आप सेल्फी लवर हो, अगर आपका कंसर्न है ओनली सेल्फी, तो Realme U1, क्योंकि Realme U1 में आपको 25 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा वो देखने को मिल जाएगा, साथ में सोनी IMX576 का सेंसर भी यूज किया गया है। पर वहीं आपको Asus ZenFone Max Pro M2 में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, साथ में सॉफ्ट LED फ्लैश लाइट, ये भी अच्छा है Max Pro M2 में। अब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है Asus ZenFone Max Pro M2 में। अब आउट ऑफ द बॉक्स EIS है Asus ZenFone Max Pro M2 में, पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और EIS कुछ भी नहीं मिलेगा Realme U1 में। कैसा लगा आपको सुनकर? क्योंकि आजकल 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का होना और EIS का होना बहुत जरूरी है। I think that at the end of 2018 it should be mandatory. तो यहां पे भी आगे है Asus ZenFone Max Pro M2, पर सेल्फी कैमरा में Realme U1। अब बैटरी में भी आगे है Asus ZenFone Max Pro M2। 5000 mAh बैटरी मिलता है। आप जानते हो Max Pro M1 में भी बैटरी काफी अच्छा देता है। हाँ, बैटरी देने का इशू है, पर अपडेट में ठीक हो जाएगा। वहीं अब ZenFone Max Pro M2 में आपको Qualcomm 3.0 का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, पर Realme U1 में आपको 3500 mAh बैटरी मिलेगा। कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है भाई। तो यहां पे बैटरी में भी आगे है Asus ZenFone Max Pro M2। अब सेंसर्स दोनों में ही एक ही है, जैसे एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, ग्रेविटी सेंसर, हॉल सेंसर, मैग्नेटोमीटर वगैरह वगैरह, ई कॉम्पास। अब दोनों में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, या आपको AI टेक्नोलॉजी से आधारित आपको फेस अनलॉक का फीचर्स भी मिल जाएगा। अब जो यहां पे आपको और एक डिफरेंस मिलेगा वो है इसका UI एंड OS।
Asus ZenFone Max Pro M2 आ रहा है ZenFone Max Pro M1 के साथ, लगभग स्टॉक एंड्रॉइड UI के साथ, और अपडेट क्लॉक तो मिलना ही है, मिलेगा भी। अब Realme U1 में आपको मिलता है वही जो ColorOS। तो ये था दोनों फोन का एक स्पेक्स कंपैरिजन। आपको क्या लगता है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कंक्लूशन क्या होना चाहिए? देखिए, अगर मैं अनबायस होकर कहूं तो 15,000 में आप ZenFone Max Pro M2 के साथ बहुत अच्छे से जा सकते हो, पर 14,499 रुपीस में Realme U1 लेने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको 4K नहीं मिलता, आपको EIS नहीं मिलता, आपको बैटरी कम मिल रहा है, आपको ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, आपको प्लास्टिक बॉडी डिजाइन मिलेगा, आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। अब बताओ, सिर्फ सेल्फी, आप सभी सेल्फी खींचना पसंद करते हो और कुछ नहीं देखते हो, पर प्रोसेसर भी अच्छा है U1 में, पर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्राइस, रुक जाइए ना कुछ दिन के लिए, 11 दिसंबर को ये लॉन्च हो जाएगा, और इतना जल्दी भी क्या है, फिर से भी तो सेल में आएगा Realme U1। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर भाई पसंद आया है, सिर्फ पसंद नहीं, सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को पुश करना होगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट यूं ही मिलता रहे। धन्यवाद।